Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं additional question bank से question number 11 से start करूँगा sum solve करना integration का. तो video start करने से पहले सभी लोग मेरे channel को subscribe कर दीजिएगा और साइड में एक छोटा सा bell icon है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए videos के notifications आपको मिलते रहे. तो चलिए sum number 11 start करते हैं. Sum number 11 में दिया है integrate with respect to x a x square plus b x to the power minus 3 plus cx टू दी पावर माइनस 7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा एक्स स्क्वायर से. सो इसको हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा इसको एक्स स्क्वायर से. ये हो जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2 4 प्लस बी एक्स माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5. ये हो गया. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो ये हो जाएगा ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 को मैं डी एक्स बाय एक्स लिख दूंगा नीचे लेके आ गया प्लस सी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर माइनस 5 डी एक्स. सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया हूं. सो ये हो गया ए एक्स टू द पावर 5 बाय 5 प्लस बी ये हो गया लॉग एक्स प्लस सी एक्स टू द पावर ये क्या होगा माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस सी. सो हमारा आंसर है ए एक्स टू द पावर 5 होल डिवाइड बाय 5 प्लस बी लॉग एक्स माइनस सी एक्स टू द पावर माइनस 4 बाय 4 प्लस सी. सो आपका क्वेश्चन 11 का आंसर आता है ये और ये है ऑप्शन ए. चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन 12 में दिया है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू द पावर 6 बाय 5. ये एक बहुत ही इजी सम है. सो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 बाय 5 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 बाय 5 प्लस 1 प्लस सी व्हिच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 11 बाय 5 11 बाय 5 प्लस सी. इसको हम लिख देंगे 5 बाय 11 एक्स टू द पावर 11 बाय 5 प्लस सी. सो आपका क्वेश्चन 12 का आंसर ये है और ये है ऑप्शन ए. चलते हैं क्वेश्चन 13 पे. क्वेश्चन 13 बहुत ही सिंपल है. इसी की तरह इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू द पावर 4 बाय 3. सो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाय 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 4 बाय 3 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 बाय 3 होल डिवाइड बाय 7 बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 बाय 3 3 बाय 7 यहां पे हो गया प्लस सी. सो क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया 3 बाय 7 एक्स टू द पावर 7 बाय 3 प्लस सी. ये ऑप्शन ए. चलते क्वेश्चन 14 पे. क्वेश्चन 14 में दिया है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू द पावर माइनस हाफ. ये भी इजी है करते हैं इसको. सो एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 मतलब हाफ हो गया. सो ये हो गया हाफ प्लस सी ये हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस सी और ये है ऑप्शन ए. चलते क्वेश्चन 15 पे. क्वेश्चन 15 में दिया है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू द पावर 1 बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2. सो इसको करना है चलिए करते हैं इसको. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 बाय 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स. सो एक्स 1 बाय 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी विच इज इक्वल टू एक्स ये हो गया 3 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा हाफ बाय 1 बाय 2 प्लस सी. सो ये हो गया 2 बाय 3 एक्स टू द पावर 3 बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस सी. सो क्वेश्चन 15 का आंसर निकल गया 2 बाय 3 एक्स टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 2 एक्स टू द पावर 1 बाय 2 प्लस सी जो है ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन 15 भी हमने खत्म कर लिया.
गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में सब नंबर 16 से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में सब नंबर 16 के साथ।